ठीक है भैया, थैंक यू। यही हमारे भाई हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। आज अभी पूरा केस अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, पहले मैं जल्दी से ये जो कोच है दिस इज आई स्कोर, ठीक है, और मुझे A3 कोच में जाना है, वहां पहुंच के फिर मैं आपको पूरी बात बताऊँ कि मैंने इनको क्यों थैंक्स बोला और मैं यहाँ से आ चुका हूँ और जिसे ठीक है। चलिए भाई, टाइम बहुत है, कोच में पहुंचना भाई। इस वक्त मैं टूंडला में हूँ और ये हमारे डिटेल सर का ऑफिस है। मैं अभी सर से ही मिल रहा हूँ, बाकी ये सब रिटर्न में है। तो सीन आपको बताते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था भाई। मैं कालका से स्पेयर आ रहा था अलीगढ़ से, गाड़ी से मैं तेज भर, और मेरा कोच था वो A3, मैं वो A3 कोच में था। लेकिन एज अ वर्किंग ट्रेन मैनेजर, हमारे सीनियर ट्रेन मैनेजर हमें सिखाते हैं कि अगर आप चाहे ऑन ड्यूटी हो चाहे ऑफ ड्यूटी, अगर आप स्पेयर जा रहे हैं तो आप एक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, जैसे वॉच कर रहे प्रॉपर से वॉच करो। मैं उसी तरीके से वॉच कर रहा था और मैंने देखा सडन कि एक आदमी पीछे की तरफ गिरा और वो सीधे लाइन के नीचे, गाड़ी और प्लेटफॉर्म के जस्ट नीचे आ गया। मैं तुरंत मैंने अंदर जाके तुरंत मैंने चेन पुलिंग की और गाड़ी रोका और भाग के गया और जाके देखा वो बंदा लाइव है। अब सवाल ये उठता है कि चेन पुलिंग क्यों, क्योंकि भाई देखिए गाड़ी रोकने के लिए आपको चेन पुलिंग करना पड़ेगा। ट्रेन मैनेजर जो हमारे पीछे थे वो हो सकता है उस टाइम वहाँ पे आम पब्लिक ज्यादा हो, क्योंकि तब जनरल कोचेज थे, तो मे भी नहीं हो पाया, तो मैंने उस चीज़ को किया, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी आपको इससे कोई खतरा दिखता है तो आप चेन पुलिंग कर सकते हैं, फिर उसका जवाब आप दे सकते हैं। लेकिन आपने एक जान बचाई, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इस सभी से बोलूंगा कि जो कुछ सीखा है अपने सभी सीनियर ट्रेन मैनेजर सीखा है। स्टार्टिंग में मैं जिन भाई का थैंक्स कर रहा था ना, वही बंदे हैं जिन्होंने उस बंदे को नीचे से निकाला था भाई। तो भाई आपका दिल से शुक्रिया, जो आपने इतना बड़ा योगदान दिया भाई और उस बंदे को नीचे निकाला और वो बंदा बच पाया। उधर गाड़ी रुकी, आपने बंदा निकाला और वो बंदा बच पाया। तो थैंक यू अगेन, दिल से शुक्रिया आप सभी का भाई।